मैं इरफान कादर साहब आपके पास आता हूँ। शाहखावर साहब ने तो बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, आप ज़रा बताइए कि कोई इनके पास कानूनी रास्ता है कि वो ना आए और ये एक कोई बेहतर हिकमत अमली होगी उनके लिए? देखें, मैं ये जो इन्होंने फरमाया है, ये जो प्रोसीजर लिटिग्रिटी है जी, जी इसको अब मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इस पर तो शाह खावर साहब ने एक अच्छी वजाहत कर दी है, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। सिर्फ मेरा उनसे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो बात कर रहे थे कि जी अगर वो नहीं पेश होंगे तो 3 साल सजा हो जाएगी, वो नहीं हो सकती क्योंकि नैब के कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ट्रायल जो है इन एब्सेंशिया हो सकता है। और इस पर जितने भी फैसले हैं सारी दुनिया में और इवन यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन हैं उसमें इस चीज़ को वैसे ही नापसंद किया गया है। और ट्रायल इन एब्सेंशिया भी उन मुल्कों में होता है जहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया हो कि ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है। पाकिस्तान में अगर कोई नहीं आ रहा तो उसका ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकता, बल्कि जब वो आएगा तो फिर ट्रायल होगा और फिर इस बात पे उसको सज़ा ज़रूर हो सकती है कि जो मेन मुकदमा था उसने उसमें वो पेश नहीं हुआ, लेकिन उसकी एब्सेंस में उसको सज़ा नहीं हो सकती। एक तो ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ जी, जी। दूसरा जो आपने सवाल किया है वो बड़ा पर्टिनेंट है और वो ये है कि उनके पास कानूनी रास्ते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमें मुवाजना करना है जो कानूनी रास्ते शरीफ फैमिली के पास हैं और जो कानूनी रास्ते अदालत के पास हैं। सही। अदालत के पास क्या कानूनी रास्ता है कोई कि वो उनको बुला लें वहाँ से एक्स्ट्रा डाइट करा लें? तो वहाँ से एक्स्ट्राडिशन तो नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो यह है कि एक जॉइंट जुडिशल वर्कशॉप बना था बरतानिया का पाकिस्तान का और मैंने भी वो प्रोसीडिंग्स अटेंड की हैं और वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जहाँ तक मुझे याद है नहीं थी, पाकिस्तान की उनके साथ नहीं हुई थी। और अगर कोई ट्रीटी हो भी जाए जी, तो वहाँ पे बरतानिया में एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स होती हैं और एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स को फिर लॉ पॉइंट्स पे कंटेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब किस हद तक उन लॉ पॉइंट्स को कंटेस्ट करेंगे? शाह खावर साहब ठीक कह रहे हैं कि वो फौजदारी की हद तक तो या वो सिविल लॉ CPC या CRPC के वकील हैं जी, जी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे उनकी ज़्यादा दस्तरस मेरे मुताबिक वो नहीं है क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो उसमें भी वो काफ़ी एक्सेल कर सकते थे, लेकिन